हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 4 जुलाई 2024 और द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज, एडिटोरियल और जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में बातचीत करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेज के साथ। सबसे पहले झारखंड के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा राज्य जो पॉलिटिकली कई बार हमने देखा कि इनस्टेबिलिटी का शिकार रहा है और वहाँ पर सीएम फेस कई बार रिप्लेसमेंट हुए। जनरली बहुत ही कम बार ऐसा हुआ कि झारखंड के अंदर किसी सीएम ने 5 साल का टर्म कंप्लीट किया हो, राइट। झारखंड इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस साल आई थिंक 2024 के अंदर यहाँ पर इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक न्यूज आती है कि चंपई सोरेन को जो सीएम बनाया गया था उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और फिर से हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो एक प्रोसीजर होता है जब भी इस तरह की घटनाएं होती है ना, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सबसे पहले जो करंट सीएम है वो रेजिग्नेशन देते हैं, फिर जो नए बनने वाले हैं वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास मेजोरिटी है, और उसके बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। उसके बाद जनरली क्या होता है कि उनको हाउस के अंदर अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड अलायंस जो है, जिसमें कांग्रेस भी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी है, आप इंडिया ब्लॉक कह सकते हैं, राइट। तो इन्होंने क्लेम किया कि भाई मैं फिर से सीएम बनना चाहता हूं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो क्योंकि इसमें जो एलिगेशन लग रहा है कि भाई ये क्या डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जो जनरली ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा एलिगेशन लगाया जाता है। एक एलिगेशन ये लगाया जाता है कि मान लेते हैं आपने चंपई सोरेन को बनाया और अभी बहुत ही कम समय है इलेक्शन में, 2-3 महीने अगर इसी साल होने वाले, तो जनरली अक्टूबर या नवंबर के आसपास इलेक्शन होंगे, तो उससे पहले क्या इस तरीके से रिप्लेसमेंट सही है। और ओवरऑल जो नेगेटिव इम्पैक्ट इस सब का देखने को मिलता है वो होगा लोगों पर, यानी जब आप इस तरह के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो उस प्रोसीजर में जो अल्टीमेट नुकसान होता है वो होता है झारखंड के लोगों का, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड साइड में हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा था। इस इम्पोर्टेंट सेशन में 2-3 चीज़ें हुई। पहले हमने प्रोटम स्पीकर के बारे में पढ़ा, फिर स्पीकर के इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पढ़ा, और जब भी कभी पार्लियामेंट नई बनती है या नई फॉर्म होती है उसमें पहला स्पीच जो है प्रेसिडेंट देते हैं। 2 टाइम पे प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, एक तो नई पार्लियामेंट इलेक्ट जब होकर आती है लोकसभा तब स्पीच देते हैं, और हर साल जो पहला सेशन होता है उसमें भी स्पीच देते हैं, और इसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होता है, मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है और वो जनरली पास होता है। अगर पास नहीं होगा तो सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, राइट। तो अलग अलग इश्यूज़ पर इस बारे में डिस्कस किया गया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों में, यानी अलाइन जो गवर्नमेंट है और ओपोजिशन है, वेरियस इश्यूज़ पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो रहा है, वर्कआउट किया जा रहा है। कई बार पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच बहस हो रही, जिससे ओवरऑल जो एक प्रोडक्टिव डिस्कशन होना चाहिए वो मिसिंग आपको नज़र आएगा। वेरियस इश्यूज जैसे मणिपुर है, नीट है, अग्निवीर है, ये बहुत सीरियस इश्यूज है जिनके बारे में डिस्कस किया जाना चाहिए। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को सरप्राइज कर दिया, शॉक कर दिया, मैं सरप्राइज वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, शॉक कर दिया है। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक तरीके से कह सकते कोई बाबा जिसने ऑर्गेनाइज किया एक मीटिंग को और उनके फॉलोअर वहाँ पर गए, और इन फॉलोअर्स में बड़ी संख्या में फिर बाद में भगदड़ मची जिसमें 121 लोग मारे गए। ऑर्गेनाइजर जो है उन्होंने कहा कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स का काम है, लेकिन आप ये वर्ड यूज़ करके बच नहीं सकते। इनके बारे में ना एडिटोरियल में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही सीरियस इशू है और इसीलिए इसके बारे में हम लोग बातचीत भी करेंगे। 26/11 के जो अक्यूज्ड है तहवीर राणा, जो पाकिस्तानी ओरिजिन कनाडियन बिजनेसमैन है, जो 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुए थे उसमें ये एक तरीके से इनकी इन्वॉल्वमेंट को माना जाता है, तो उनको एक्सटिशन करने को लेकर एक तरीके से कहा कि भाई इनको किया जा सकता है। एक्सटिशन का मतलब ये होता है दो कंट्रीज के बीच में एक्सटिशन ट्रीटी एग्रीमेंट होता है। एक्सटिशन मतलब भाई अगर कोई व्यक्ति ने हमारे कंट्री में क्राइम किया या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उस व्यक्ति को जो दूसरी कंट्री की जेल में, हम उसको इंडियन जेल्स में ला सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है अगर किसी कंट्रीज के बीच में एक्सट्रीशन ट्रीटी या पॉलिसी हो।
इसके बाद पोल्यूशन लेवल को लेकर एक एनालिसिस किया गया है कि पोल्यूशन लेवल बढ़ने से डेथ रेट भी बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू अब क्लीनर सिटी। देखो जब भी पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा, और पोल्यूशन में दो तरह का पोल्यूशन जो सबसे ज़्यादा थ्रीटेबल है वो है PM2.5 और PM10, यानी जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, जिसमें PM2.5 तो और ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि बहुत ही कम माइक्रोन का पोल्यूशन है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। और जो लोग एक तरीके से ऑलरेडी कोई डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, या जिनको अस्थमा है, या जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, या सीनियर सिटीजन है, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे, इन सबको बहुत नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। हायर पोल्यूशन का डायरेक्ट रिलेशन है डेथ रेट के राइज होने से, और जहाँ पर एयर पोल्यूशन कम है वहाँ पर एक तरीके से डेथ रेट भी आपको कम नज़र आएगी। हेल्थ पर इफेक्ट कम होगा तो भाई डेथ रेट भी डेफिनेट सी बात है कम नज़र आएगी। तो उसी के बारे में बताया गया कि PM2.5 हो या PM10 हो, ये दोनों ही सीरियस इश्यू, लेकिन PM2.5 एक ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि उसको रोक पाना इतना ईजी नहीं होता है। छोटे छोटे धूल के कण हैं जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा अगले कुछ पेजेस पर अगर हम बात करें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में कह सकते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन से वो डायरेक्टली रिलेट करता है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हाथरस वाला हम एडिटोरियल में पढ़ेंगे तो इसको लेकर तो इश्यूज़ नहीं है इतना। अब अगर हम बात करें एक तो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, जो मार्च 2025 तक इसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन में हमने पढ़ा था कि 2015 में एक स्कीम लॉन्च की जाती है जिसमें 100 सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है कि भाई देश में हम स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। स्मार्ट सिटीज़ का मतलब है कि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ को, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बूस्टअप किया जाएगा। ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, और इसको फ़िलहाल बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2025 तक। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया डेवलपमेंट प्लान होगा, और इसमें कई सारी चीज़ें और जो है बूस्टअप करने के बारे में बातचीत है। 8000 मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट इसके अंदर है। अब तक अगर हम बात करें 1.6 लाख करोड़ रुपये इसको दिया गया है, और कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं या कम्प्लीशन के फेजेज के अंदर है। अलग अलग टाइम पर इसका अलग अलग बजट्स रहा है उसके बारे में बताया गया। और यहाँ पर बेसिकली जो बढ़ाने का एक रीज़न है कि कुछ प्रोजेक्ट का मान लेते हैं केवल 10% कमी है या फंड प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हुआ, तो उन सबको मेंटेन करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है, उसके बारे में बातचीत हुई है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पेजेज पर अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ में, तो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 5 पर। सबसे पहले कैबिनेट कमेटी की कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज होती है कैबिनेट के अंदर, जिसमें कुछ मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, और ये कई सारी अपॉइंटमेंट में या जितने भी उस सब्जेक्ट रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके अंदर बातचीत है कि भाई कैबिनेट कमेटीज़ को रिकन्स्टिट्यूट किया गया, और उसमें NDA के पार्टनर्स जो है उनको भी शामिल किया गया है। तो ये पढ़ते हैं एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है। यूनियन गवर्नमेंट ने रिकन्स्टिट्यूट करी है वेरियस इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटीज़ को वेनसडे को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसमें JDU, TDP, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, ये कहीं ना कहीं उनको प्लेस मिला है। और मोस्ट ऑफ द पैनल को जनरली जब भी आप देखेंगे इन कमेटीज़ में अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर हैं तो वही चेयर करेंगे, और मेजर जो कमेटीज़ है उसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। कुछ कमेटीज ऐसी होती जिसमें मेंबर नहीं होते, तो उस केस में दूसरे व्यक्ति जनरली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जो है उसको चेयर कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो अपॉइंटमेंट रिलीज करी है उसमें अगर हम बात करें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर है, कैबिनेट कमेटी जो अकोमोडेशन है उसको हेड कर रहे हैं मिस्टर अमित शाह, और कई सारे BJP मिनिस्टर जैसे नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, ये इसके मेंबर होंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो जितेंद्र सिंह है, ये स्पेशल इन्वाइटी रहेंगे पैनल के अंदर। सिक्योरिटी पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल कैबिनेट कमेटी है जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, मेंबर होंगे डिफेंस मिनिस्टर, इसके अलावा अमित शाह या राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, ये इसके मेंबर हैं। कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर है उसने कई सारे डिसीजन लिए हैं कि कैसे आप अलोकेशन करेंगे, डिसबर्समेंट करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कमेटी हेड की जाएगी, जिसमें अलग अलग इसमें लीड्स बताए गए। ओवरऑल अगर हम बात करें
जितनी भी कमेटीज हैं अलग अलग बनाई जाती है, इन कमेटीज को चेयर किया जाता है जनरली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और कुछ कमेटीज को अलग अलग जो मिनिस्टर्स होते हैं उसके द्वारा लीड किया जाता है। तो बहुत सारी कमेटीज हो सकती है। मेजर जो होती है, एक तो सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, एक इकोनॉमिक रिलेटेड, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है अपॉइंटमेंट। तीन कमेटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, और थर्ड जो होगी वो अपॉइंटमेंट, जो वेरियस अपॉइंटमेंट होते हैं उसके लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद भारत और रूस के बीच में काफ़ी कुछ इस महीने में होने वाला है। उम्मीद है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है 8 जुलाई के आसपास शायद रशिया जा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो दो चीज़ें होंगी। रशिया के प्रेसिडेंट के साथ जो हमारी जनरली एनुअल मीटिंग्स होती थी, एनुअल मीटिंग मतलब एक बार हम रशिया जाते थे और दूसरी बार रशियन प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में आते थे, तो इसमें अभी उससे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक इम्पोर्टेंट अलायंस है उसकी एक मीटिंग हो रही थी कजाकिस्तान की अस्ताना के अंदर, और वहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, और उनको एक तरीके से उन्होंने मीटिंग करी सबसे पहले तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सेर्जी लेवरो के साथ। और एक हमारा जो एक सीरियस इशू है रशिया और इंडिया के बीच में जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, वो है बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिनको कई बार कुछ जो रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं वो लालच देती है कि आपको रशिया के अंदर जॉब दिला देंगे, और उसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज में उनको एज ए हेल्पर और फिर फ्रंट लाइनर की तरह वो काम करते हैं, और उसमें कुछ लोगों की डेथ की न्यूज़ भी आई जो कि एक सीरियस इश्यूज़ है। यानी भारतीय लोगों का रशियन आर्मी में रिक्रूटमेंट करना चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उसको लेकर स्ट्रॉन्ग कंसर्न भारत की तरफ से रेज किया गया है, और ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इस इशू को डेफिनेटली रेज किया है, और फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत सारी कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल मीटिंग में जो कजाकिस्तान की कैपिटल में हो रही है, इसके अलावा भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एनुअल मीटिंग में शायद 8 जुलाई के आसपास जा सकते हैं, ये इंश्योर करना कि भाई इंडियन नेशनल अगर कहीं भी वार जोन में इन्वॉल्व है तो उनको सेफ और एक्सपेडिशन रिटर्न होना चाहिए, वापस कंट्री के अंदर ये आ जाने चाहिए। बायलेटरल पार्टनरशिप और ग्लोबल स्ट्रेटजिक लैंडस्केप के बारे में डिस्कस किया गया कि दोनों के बीच में ये सीरियस डिस्कशन इसको लेकर हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई सारी न्यूज़ आती है कि एक हरियाणा का कोई गांव है उससे 6 लोग जो है उसमें स्टक हो गए थे और उनकी फैमिलीज मिली। इसके अलावा रिपोर्ट किया गया कि भाई लगभग 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 20 से 25 लोगों की रिक्वेस्ट जो है उसमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास पहुंची, तो इस तरीके की बातचीत वहां पर की गई है। इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरी कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनसे उनके साथ भी बातचीत की गई। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना भी एक इम्पोर्टेंट मेम्बर हैं, क्या उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। 2024 की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग विशेष है। इसके पीछे वजह ये है कि दो नई कंट्रीज में मेंबर बनी है 2024 के अंदर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये दो कंट्री कौन कौन सी है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2024 में मेंबर बनी है, और सेकंड क्वेश्चन अटैच करना है। हम देखते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो भाई 5 कंट्रीज आती है, आपको कमेंट करना है कि वो कौन सी कंट्री है जो इन 5 कंट्रीज में नहीं आती, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा इजी, थोड़ा टफ आपके लिए सवाल है जिसके बारे में आपको नीचे कमेंट करना है, राइट। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटी सी न्यूज़ है, वो न्यूज़ क्या है, वो है जीका वायरस को लेकर। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था जब ब्राज़ील में कई सारे केसेस जो रिपोर्ट किए गए थे। महाराष्ट्र को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि प्रॉपर विजिलेंस आप रखिए जीका वायरस को लेकर, और कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए जीका वायरस के, राइट। जनरली जीका वायरस क्या होता है, जीका वायरस में ये डेंगू और चिकनगुनिया फैमिली से रिलेटेड है, और ये माइक्रोसफेली यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन पर ये एक तरीके से अटैक करता है, उसको इन्फेक्ट करता है, और जो बच्चे का जन्म होता ना उस बच्चे का जो ब्रेन है वो एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल बेबीज होते हैं उसके कंपेयर में काफ़ी छोटा होता है। तो ये एक न्यूरो रिलेटेड इश्यूज़ भी है, यानी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो जो भी मदर इसमें पॉजिटिव पाई जाती है तो एक तो
वायरस को प्रॉपर स्क्रीन करना, दूसरा जो फोइटस ग्रोथ है उसको मॉनिटर करना, ताकि इस इन्फेक्शन से कैसे एक महिला को, एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो है सेव किया जा सकता है, उसके बारे में बातचीत की गई। ठीक है, इस टाइम पे देश में एक और बड़ा चैलेंज है, वो है वेजिटेबल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ये इसलिए इंक्रीज होते हैं क्योंकि एक तो मानसून का टाइम है, मानसून के समय पर अच्छी बात ये होती है कि बारिश किसानों के लिए एक तरीके से वरदान की तरह है, लेकिन कई बार क्या होता है बारिश जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो बहुत सारी जो क्रॉप्स है उनको डैमेज भी करती है। आज के टाइम पे अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन वाली बेल्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी या आप राजस्थान का कुछ पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इस बेल्ट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्या, हमने देखा कि इस एरिया के अंदर जो फर्टिलाइज़र यूज हो रहा है वो इनबैलेंस है, यानी इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज हुआ जिसकी वजह से ज़मीन की जो पानी को अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है वो कम हो रही है। और जैसे ही बारिश होती है इन राज्यों के अंदर, हम देखते हैं कि पानी खड़ा होना शुरू कर देता है खेतों के अंदर, और वो धीरे धीरे एक फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो डेफिनेटली फसल को डैमेज करता है। जैसे इस एरिया में, खासकर हरियाणा और वेस्टर्न यूपी कुछ एरिया के अंदर, कॉटन का प्रोडक्शन इस टाइम पे है, अगर पानी खड़ा हो जाता है एक तरीके से, यानी उसको जिसको बोलते हैं ना ज़मीन पानी नहीं पी रही है, तो वो एक तरीके से इनबैलेंस फर्टिलाइज़र के यूज़ करने की वजह से है। और जब पानी एक तरीके से खेतों में खड़ा रहेगा और एकदम से जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा तब वो पूरी कॉटन की क्रॉप को जो है डैमेज कर सकता है। तो ये बड़ा एक सीरियस इश्यूज है, और उसी के बारे में बताया गया कि वेजिटेबल प्राइस जो है बहुत सारी फैमिलीज़ के बजट को अपसेट कर सकती है। इसके अंदर ये बताया गया कि टमाटो, पोटैटो और ओनियंस के प्राइस बढ़ सकते हैं, और आने वाले टाइम में ये आपको फील भी होगा, कि अभी तो शायद महसूस नहीं हो रहा होगा लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसके बारे में आप फील करेंगे। इसके बाद एडिटोरियल में एक छोटा सा लेकिन क्लास एडिटोरियल है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में और हमें पढ़ना ही चाहिए। दो तीन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी इसमें। पहला, अवॉइडेबल ट्रेजेडी, क्या जो हाथरस के अंदर घटना हुई क्या उसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे, क्या इतनी बड़ी गैदरिंग को रेगुलेट नहीं किया जा सकता था टाइटली, और क्या हम लोग हाथरस जैसी स्टैम्पेड्स के केस, यानी जो भगदड़ मची है इस तरह के केसेस को प्रिवेंट कर सकते, रोक सकते, इसके बारे में आर्टिकल डिस्कस करता है। एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन होती है, एक धार्मिक कह सकते हैं कि इकट्ठे हुए लोग वहां पर हाथरस के अंदर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें 120 लोगों की डेथ होती है जो एक सीरियस ट्रेजेडी के अंदर काउंट होगा। भाई आप इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों की डेथ हो जाती है तो ये डेफिनेटली एक सीरियस इश्यूज है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि भाई एटलीस्ट हाफ ए डजन, आधा दर्जन ऐसे केस हुए पिछले 20 सालों में जिसमें कई सारे लोग जो है मारे गए हैं। एक गांव है फुलरई विलेज, जो कि उससे एक प्रीचर आता है और अराउंड 1 लाख के आसपास लोग इकट्ठे होते हैं। एक प्रीचर जिसका नाम है सूरज पाल, ये इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि ये कोई कांस्टेबल थे जिनको निकाल दिया गया सर्विस से, ये बन जाते नारायण सकरहारी और इनको भोले बाबा भी बोला जाता है। रिपोर्ट आती कि 2.5 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं जिसमें 80,000 मैक्सिमम कैपेसिटी थी। आप 80,000 में 2.5 लाख पहली बात तो खड़े होते हैं। दूसरा जो इसमें एक प्रॉब्लम आई थी वो ये, एक तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा कई जगह से लोग आए थे, ज़्यादातर इसमें महिलाएं और बच्चे थी, सबसे बड़ी चीज़ें। और इसके अंदर जो लोग आए थे ना वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आए थे कि भाई उनको एक सरप्राइज स्पिरिचुअल सोलेस मिल जाएगी, धार्मिक या एक तरीके से स्त्री शांति मिल जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पहली बात, क्या हम जो एक बिलीफ है ना, बिलीफ सिस्टम में एक एक्सट्रीम बिलीफ सिस्टम होता है, जो कि एक्सट्रीम कोई भी वर्ड आप यूज़ करेंगे तो खतरनाक, आपका विश्वास हो सकता है। विश्वास में जब आप ब्लाइंड विश्वास होता है, मैं ब्लाइंड विश्वास इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखेंगे भगदड़ मचने के पीछे 2 वजह हुई है और लोगों को बचाया जा सकता था। 2 चीज़ें हुई है, एक तो बारिश वहाँ पर हुई, बारिश की वजह से स्लिप हुए, और ये माना गया कि न्यूज़ आती है कि लोग जहाँ से वो इनका प्रीचर, इनके गुरु जो जा रहे थे उनके नीचे से मिट्टी उठाने की कोशिश किया। न्यूज़ ये भी आई
कि भगदड़ मचने के पीछे एक वजह ये भी थी कि कुछ लोग जो है जो ज्वेलरी पहनी हुई थी महिलाओं ने उसको स्नैच करने की कोशिश कर रहे थे। ये न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक है तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट थी, लोगों को बचाया जा सकता था लेकिन प्रॉपर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी और इतनी क्रॉसिंग ही नहीं हुई, राइट, तो इसकी वजह से डेथ खरा रेट जो है वो इंक्रीज हुआ। तीसरा, यहाँ पर हम देखेंगे कि हॉस्पिटल्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, इवन डेड बॉडीज को किस तरीके से मेंटेन किया गया ये भी अपने आप में कई सारे क्वेश्चन रेज करता है। कि मान लेते हैं कि लोगों की डेथ हुई लेकिन डेथ के बाद भी हर एक इंसान को रिस्पेक्टफुली हम एक तरीके से उसके अंतिम संस्कार या अंतिम जो क्रिया होती है उसको कंप्लीट करें। लेकिन जिस तरीके से डेड बॉडीज वहाँ पर पड़ी थी, जिसको मेंटेन बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से नहीं किया गया, जो कि एक सीरियस इशू है। इसके अलावा यहाँ पर डेफिनेटली एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, राइट, इस तरह के रीजंस क्या रहे होंगे। और इसमें ये भी होना चाहिए कि आप क्राउड को कैसे मैनेज करिए, हमारे लिए मैसेज भी है कि क्राउड मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगेन ये बात बताई गई कि लोग वहाँ से उनके प्रीचर के पैरों के नीचे से मिट्टी उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को लेकर एक क्वेश्चन रेज कर दिया है, क्या उत्तर प्रदेश इस तरह की एक तरीके से इल प्रिपेयर है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था इस दौरान, आपने परमिशन दी, परमिशन में इतने लोग आए कि आपके पास इनपुट नहीं था। दूसरा, जिस तरीके से डेड बॉडीज़ की जो विजुअल्स है वहाँ पर एक तरीके से पड़ी थी पोस्टमार्टम के लिए, या जो उनके परिवार वाले थे डेस्परेट थे वो मदद के लिए, तो ये बताता है कि इनएडिक्वेट नंबर में एम्बुलेंस वहाँ पर थी, मेडिकल स्टाफ प्रॉपर नहीं था, तो एक कॉमन फीचर हो गया ट्रेजिडीज़ का। इसलिए बताया जाता है कि इन फीचर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम इस सिचुएशन में कैसे डील कर सकते हैं। इसमें सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी हो, और जो लीडर इन जो प्रीचर थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन किया था उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने खड़ी करी, क्योंकि अगर आप गुरु मानते हैं किसी को और वो आपके गुरु हैं, तो अगर वो एक बार बोल देते कि आप यहीं रुक जाइए प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे पहले भाग कर गए, तो ये बताता कि ये इंसिडेंट कितना ट्रेजिक है। इसके अलावा इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, प्रोएक्टिव स्टेप जो है लिए जाने चाहिए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंट रहना चाहिए। जब इस तरह की घटना होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को पहले पता होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और ये मैसेज है सभी स्टेट्स के लिए, हमें एक अच्छी क्वालिटी की बेटर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हो। पैकेज जो कंपनसेशन के लिए वो कितना होगा नहीं होगा वो तो खैर आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये क्लासिक स्टडी है कि आप क्राउड को कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा, ऑर्गेनाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब इतने बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है, पॉलिटिकली कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, ब्यूरोक्रेसी की ऑर्गेनाइजेशन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। और जो इस ट्रेजडी के अंदर मारे गए लोग हैं बहुत ही गरीब परिवारों से बिलोंग करते थे, उनके बारे में इन फ्यूचर में क्या। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट, आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप लोगों की लाइफ को नहीं बचा सकते, सेव नहीं कर सकते। अगर एक बेटर हॉस्पिटल होता और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि भगदड़ में एक जो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से लोगों की सांस फूल गई है, कह सकते हैं कि उनको प्रॉपर ब्रीथिंग रिलेटेड कंसर्न हुआ, जिसकी वजह से भी डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आया। इसके अलावा फ्रांस के अंदर इलेक्शन चल रहा है तो उसके बारे में बताया गया कि एक ओवरव्यू क्या है, और फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों ने क्यों डिसीजन लिया कि वहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए, तो इसके बारे में तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है नहीं, फ्रांस के अंदर इलेक्शन होना नहीं होना, तो कभी इसके बारे में कोई न्यूज़ आएगी तो उसको ब्रीफ में हम देखेंगे। इसके अलावा GST के बारे में एक जो रेटिंग एजेंसी क्रिसल, उसने एक तरीके से प्रोजेक्शन किया है कि स्टेट GST जो है 13-14% बढ़ सकता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और इसके अंदर एक हायर रेवेन्यू जो 8-10% ग्रोथ हो सकती है 18 स्टेट में, जो पिछले साल जो 7.5% थी GST कलेक्शन और टैक्स डेवोल्यूशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टैक्स डेवोल्यूशन होता है वो 50% एग्रीग्रेट क्रिएट करेगा स्टेट रेवेन्यू में, रेटिंग एजेंसीज का ये ऑब्जर्वेशन है।
रेटिंग एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में एक बेटर ऑब्जर्वेशन देती है, जिसके बारे में हमें एक तरीके से कोई भी जो कंपनी होती है वो इन्वेस्टमेंट करने में रेटिंग एजेंसीज के बारे में ज़रूर स्टडी करती है। इंडिया का जो रेवेन्यू है 18 स्टेट का, वो 8-10% ग्रो हो सकता है फिस्कल ईयर के अंदर, और 38 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक्सीलरेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू 2023-24। और इसमें स्टेट का जो ग्रोस डोमेस्टिक स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसटी कलेक्शन है, टैक्स डेवोल्यूशन है, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर प्ले करेगा। जीएसटी बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार, क्योंकि जीएसटी की जो मीटिंग होती है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जिसको चेयर करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया कि क्या एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे के अंदर लाया जा सकता है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को जीएसटी में अगर हम बात करें तो उसमें जो स्लैब्स हैं 5%, 12%, 18% और 28% को इसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, क्योंकि वर्ल्ड अफेयर में स्पेसिफिक न्यूज़ जो वो नहीं आई है, जापान के अंदर एक तो फोर्स स्टरलाइजेशन लॉ जो है, यानी ज़बरदस्ती करके स्टरलाइजेशन करना, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ की कोर्ट ने बोला है। एक हरिकेन बेरिल जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था, जो करिबियन आइलैंड में न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, T20 वर्ल्ड कप हमने जो जीता है, वो फंस गई थी बारबाडोस के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइक्लोन था, और उसके बाद हमने देखा एक स्पेशल फ्लाइट वहाँ पर गई, और आज एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम भी है जिसमें एक रैली होगी, सेलिब्रेशन होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एंड में दो चीज़ें आपको नज़र आएगी, नेपाल के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है हो रही है, एक तो सरकार शायद नई बनेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी हो सकते हैं। नेपाल के अंदर जो भी चीज़ें होगी उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर इंडिया पर पड़ेगा। प्लास्टिक पोल्यूशन सीरियस लेवल पर इंक्रीज हो रहा है, और कुछ मेंबर जो आर्कटिक चैलेंज टीम के हैं, वो एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर कि कैसे आप प्लास्टिक पोल्यूशन, जो मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, उसको रिड्यूस कर सकते, तो उसके बारे में बातचीत की जा रही है। राइट, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू ऑल। जय हिंद।